आइए, सम्मानित व्यक्ति, सम्मानित व्यक्ति हैं ये, इनको तो पहचान ही रहे होंगे, प्रभु वाले हैं। गोकुल जी का थोड़ा एकदम एकदम बहुत अच्छा। सभी को नमस्ते, मैं हूं देवाशीष नायक और मेरे चैनल देवाशीष नायक ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। और अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30 और अभी मैं सुबह से उठ गया था और उसके बाद मॉर्निंग वॉक करने के लिए गया था और अभी फ़िलहाल मैं घर के बाहर हूं और आज का मौसम पूरा क्लियर है तो अभी तक, लेकिन सूरज की रोशनी नहीं आई है क्योंकि आज भी बादल छाए हुए हैं और आज का मौसम उतना ठंडा है नहीं, क्योंकि बादल जब छाए रहते हैं मौसम जो है ठंडा नहीं रहता है। तो फिलहाल तो मैं घर की ओर जाता हूँ। सुबह के 8 बज रहे हैं और ये भतीजी आ चुकी है अंकिता। देखिए इसका इसका स्माइल जो है बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट भी है। फूल दिखा फूल दिखा फूल, ये फूल दिखा रही है, फूल गेंदा फूल दिखा रही है। हेलो करो, हेलो हेलो, हाय हाय बोलो। याड़ा याड़ा देखो, हाय उधर 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 याड़ा याड़ा देखो, आई जा रही है पानी लाने के लिए, इतना स्पीड भाग रही है और इतना बड़ा बाल्टी ली हुई है, आप नहीं सक रही, चढ़ने नहीं सक रही है। और बाहर में गाड़ी क्यों रख दिया रे बाबा, वो भाग रही कितना स्पीड में, गाड़ी साइड रखी नहीं पा। सुबह के 10:30 बज रहे हैं और अभी मैं अपने दुकान पर हूँ और काफ़ी काम है आज सुबह से ही, इसलिए मैं सुबह से आज आ गया था इधर। नाश्ता भी हो गया है मेरा और अभी फ़िलहाल मैं बैठा हुआ हूँ। अभी दिन के 1 बज चुके हैं और खाने के लिए मैं आ चुका हूँ, काफ़ी टाइम हो चुका है। और आज बनी है सिंपल दाल भात और आलू भुजिया और इधर पोस्तू है और ये पापड़ छाना गया है, तो फ़िलहाल मैं खा लेता हूँ। अभी 3:20 हो रहे हैं और अभी मैं जाने वाला हूँ घर समा और राज के साथ जाने वाला हूँ। और फिलहाल तो हम लोगों का कार्यक्रम का रूपरेखा पूरी तरीके से नहीं बन पाया है, तो आज देखते हैं कि क्या क्या काम हो गया और किनसे मिलना होगा, वो तो पता नहीं प्रभात जी का किस तरह से प्लानिंग है। तो अभी तो फिलहाल हम लोग निकलते हैं। 4 बज रहे हैं और अभी हम लोग खरसवा में हैं और हम राज और इधर प्रभात जी भी हैं साथ में। नमस्कार नमस्कार। और हम लोग को डेली देखते रहेंगे आप लोग कि कुछ ना कुछ कार्यक्रम के लिए हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं अभी। और हम लोग का जो कार्यक्रम है कुछ दिन के बाद स्टार्ट होने वाला है, 12 से लगभग स्टार्ट हो ही जाएगा। तो अभी तो फिलहाल हम लोग गोकुल जी का वेट कर रहे हैं, जो प्रभु का शब्द तो कल बोले नहीं। आप अगर कार्यक्रम देखना चाहते हैं तो अगले वर्ष की इंतजार करें आप सभी, ठीक है, 2022। और अभी तो हम लोग फिलहाल वेट ही कर रहे हैं। और अभी हम लोग यहाँ पर खरसवा के केसरे मुंडा चौक में अभी हम लोग घूम रहे, थोड़ा सा विचरण कर रहे हैं और साथ में गोकुल जी भी आ चुके हैं, उनके दोस्त मृत्युंजय जी भी आइए, सम्मानित व्यक्ति, सम्मानित व्यक्ति हैं ये, इनको तो पहचान ही रहे होंगे, प्रभु वाले हैं। गोकुल जी का थोड़ा एकदम एकदम बहुत अच्छी तरीके से इन लोग को पहचान लिया है सब कोई, पूरा अच्छा फेस लिया। कुछ शब्द बोलिए गोकुल जी, कुछ शब्द बोलिए, कुछ शब्द बोलिए। नमस्ते प्रभु, आप सबसे मेरा निवेदन है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, प्रमोट कर दे रहे हैं आप लोग तो अच्छा है ना। और अभी हम लोग खरसवा के ये कब्रिस्तान वाले रोड में, जो ये पदमपुर जाती है ये रोड, इस पर आ चुके हैं और दोस्त लोग हैं इधर, बातचीत कर रहे हैं फिलहाल। नहीं नहीं वो नहीं लिए हैं, काहे टेंशन ले रहे हो। और बहुत आज हम लोग का यहाँ पर गुरुवार बाज़ार है जो कि खरसवा का प्रसिद्ध बाज़ार है, तो हम लोग दिखाएंगे जाने के वक्त कैसे बाज़ार का भीड़ था। और अभी तो फिलहाल सब कोई जा रहे हैं धीरे धीरे घर अपना। गुरुवार बाज़ार है, एरडी के कब्रिस्तान वाले एरिया में हैं और बहुत सारे यहाँ पर बच्चे भी खेल रहे हैं, 3-4 बच्चे, ये लोग मैदान है एरडी का। और फिलहाल तो हम लोग उधर जाएंगे हाट के तरफ, क्योंकि हम लोगों को जिससे मिलना था उनसे मिलना हो नहीं पा रहा है और लगभग 5 बजने जा रहे हैं और घर भी जाना है हम लोगों को, कुछ काम है। प्रभात जी क्या करें बोलिए, अब क्या करना है, समय के अनुसार यहाँ पे खड़े रहना है या फिर इधर उधर घूमना है हम लोग को? घूमना मतलब क्या है कि हम लोगों को चलना होगा कहीं,
और चलिएगा तो चलिए, और नहीं तो फिर हम घर निकलेंगे। सीधा सा बात है, घर निकलना पड़ेगा। फिर मिलने निकलने वाले हैं, और आज हाट भी था तो देखते हैं हाट वाला जगह में। उन लोगों का नंबर सेंड कर दीजिए ना हमको। कर दिया है ना, तो ठीक है हम मिल लेंगे। सभी को नमस्ते, निकलते हैं हम लोग। राज अभी गाड़ी ड्राइव करेगा और अभी हम बैठ के ब्लॉगिंग करेंगे। चलिए आगे निकलिए, आप लोगों का भी ब्लॉगिंग करते हैं। चलो, और हम लोग अभी निकल चुके हैं देहरेडी से। आराम से बबुआ, पूरा एकदम हैंडसम लग रहे हैं। कल वाला फोटो में आप देखे थे, आप पूरा हैंडसम लग रहे थे। बंद क्यों हो रहा गाड़ी? वही तो प्रॉब्लम चल रहा है गाड़ी का। स्मार्ट लग रहे थे जी, और गोकुल जी तो एकदम नर्वस 90s का शिकार। बैटिंग करने के लिए आए हैं और 91 में वो आउट हो गए जैसे लग रहे हैं पूरा एकदम। इनका कुछ दुखड़ा है शायद, इसलिए हमेशा वो दुखड़ा नहीं है। और मेरे पीछे आ रहे हैं प्रभात जी। ये खरसवां हाट का भीड़ आपको देखने मिल रहा होगा। अभी तक सभी लोग गए नहीं हैं अपने अपने घर, अभी फिलहाल हाट चल ही रही है। अरे ध्वनि प्रदूषण मत कीजिए इतना ज़्यादा। सबसे बड़ा यहाँ पर हम लोग का ये मार्केट लगता है खरसवां में। सभी प्रकार के यहाँ पर साग सब्जी उपलब्ध हैं, साथ में आप लोग ये मार्केट है पूरा। तो अभी तो भीड़ टूट चुकी है, बहुत सारे लोग अपने अपने घर जा चुके हैं, और देखने में भी काफ़ी सुंदर लगता है इस जगह में। केसरे मुंडा के चौक पर पहुंच चुके हैं और काफ़ी भीड़ है अभी तक। और आपको ये जैकेट वगैरह देखने मिल रहा होगा, काफ़ी सुंदर सुंदर जैकेट है, तो काफ़ी सस्ता में मिल जाता है। और ये खरसवां का केसरे मुंडा का चौक है। चलिए उधर उधर साइड में, साइड में सही बैठते हैं। और ये केसरे मुंडा का चौक है, गाड़ी है पीछे में। कौन किया है वीडियो बना? वहाँ 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 लगते हैं। चलो मैं देख लीजिएगा कल वाला ब्लॉग में, ठीक है? ठीक है, ठीक ठीक। शिवरात्रि शिवरात्रि। यहाँ से हम लोगों का घर की दूरी 8 किलोमीटर होगा लगभग। क्या भाई, 8 किलोमीटर होगा। अभी हम लोग जाएंगे, कहाँ जाएंगे बोलो? शिमला चाट खाने के लिए, और उधर ही हम लोग का घर भी पड़ता है। और अभी हम लोग शिमला चाट वाली दुकान पर आ चुके हैं और बनाने दे दिए ऑर्डर। और ये शिमला वाला चाट आप मेरा ब्लॉग पर देखे होंगे आप लोग। लाइट भी ज़्यादा है नहीं, इसलिए दिखा नहीं पा रहा हूँ मैं अच्छा से। फिलहाल तो मैं बनाने के लिए दे दिया हूँ। और ये बन के तैयार है शिमला वाली चाट, और राज तो पहले ही मतलब मिक्स कर लिया है, तो अभी हम लोग खा लेते हैं। फिलहाल बहुत मस्त दिख रहा है, चलो खाना स्टार्ट करो। राज बड़ी भयंकर खा रहा है, देख सकते हैं आप लोग, पूरा चाट भयंकर टाइप का खा रहा है। आराम से खाओ भाई, आराम से। और अभी हम लोग शिमला चाट खा के निकल चुके हैं घर की ओर। आप देख सकते हो कि फाटक में कितना भीड़ लग गया था, फाटक पूरा जाम हो चुका था, और अभी खुला, तो अभी सभी लोग एक एक करके जा रहे हैं। ये श्री सीमेंट का बस है, पता नहीं इतना लोड हो जाए, वहाँ भी फंसा देगा ना यार। बैक साइड में है, चल चल बड़ा। फाटक बंद होने के लिए ये अलार्म दे रही है कि
फाटक अभी बंद हो जाएगी, पूरा रेडी है ये बंद करने के लिए। फिलहाल हम लोग तो निकल चुके हैं, निकले नहीं हैं, लटके हुए हैं आधा रास्ता में। साइड से निकालना है गाड़ी, उधर से आ रहा हूँ, क्या कर रहे हैं? हाँ बात तो सही बोल रहे हो, जब वो जाम कर रहा ना हमको लगा कि नहीं होगा। और फाइनली मैं घर आ चुका हूँ, अभी टाइम हो रहा करीबन 6। पर आज ऑपरेट कर रही है गौरी और साथ में यशोदा उधर बैठी हुई है जो कि टीवी की शौकीन है, और अभी तक लाइट आया नहीं है तो कैसे दबाएंगे हम, लाइट आ गया तब तो आप आ गया। मैच किया कि नहीं देख लो। और फाइनली गाइस हो चुका है और अभी हम जाते हैं उधर घर की ओर। पकड़ लिए गाड़ी, घुसा देते हैं, गाड़ी खड़ी है यहाँ पर। अभी रात के 11:40 हो रहा है और आज की वीडियो की मैंने एडिटिंग पूरी कर ली है। आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।